इंद्री में कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के साथ साथ विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। आगजनी की सबसे कम घटनाएं इंद्री में सामने आई है। डॉक्टर अश्विनी कंबोज ने बताया कि पिछले वर्ष आगजनी को लेकर 23 किसानों पर जुर्माना किया था, जबकि अब की बार 13 घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर अश्विनी कंबोज ने बताया कि फसल अवशेषों में आग न लगाएं, इससे भूमि के मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है। कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों को मिट्टी में दबाएं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और किसानों को लाभ भी मिलेगा। तो वहीं फसल प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की तरफ से जागरूकता का परिमाण सामने आ रहा है और कस्टम हाउसिंग सेंटर फसल अवशेष के बंडल बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उनको भी लाभ मिल रहा है और किसानों को भी लाभ हो रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बन रही है। इंद्री से पंकज कुमार की रिपोर्ट। बेल से इंद्री एरिया में जो है लास्ट ईयर लगभग 10,000 एकड़ के जो है ना इन सीटू एक्स सीटू का हुआ था, और इस साल जो फार्मर्स ने बहुत अधिक रुचि दिखाई है, अवेयरनेस बहुत आई है, डिपार्टमेंट ने भी इस पे बहुत अधिक फोकस किया है, और इस बार 22,000 एकड़ का जो है ना फार्मर्स ने अप्लाई किया है, जिसमें से लगभग 15,000 एकड़ का हमने वेरीफाई करके आगे उनको 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको जो है ना देने के लिए आगे बिल भेज दिया है, और लगभग सभी फार्मरों के 10,000 एकड़ के आसपास 15,000 के आसपास आ चुके हैं। कुछ के अभी जो पेंडिंग है वो अभी कुछ ही दिनों में उनके अकाउंट में आ जाएंगे। किसानों को जो है ना बहुत अधिक फायदा हो रहा है। लास्ट ईयर की लास्ट टू लास्ट ईयर जो है अवेयरनेस थोड़ा कम थी और फार्मर जो है ना इसको अडोप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब उनकी खुद ही समझ में आ गया है कि इसको, उनको ये था कि इसको एकदम से कैसे करें, और इम्प्लीमेंट भी कम थे। अब विभाग की तरफ से बहुत अधिक इम्प्लीमेंट आ गया, इन सीटू के लिए भी, एक्स सीटू के लिए बेलर्स भी आ गए हैं, और हैप्पी सीडर वगैरह ये सभी प्रकार के इम्प्लीमेंट सब्सिडी पे दे दिए गए हैं। CHC जो है हमारे यहाँ पे लगभग 67 के आसपास हैं, और उनको 80% तक सब्सिडी दी जाती है, और इन सीटू और एक्स सीटू के दोनों प्रकार के उनको यंत्र उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लगभग हर गाँव में जो है CHC सेंटर है, और जो उनको इम्प्लीमेंट फार्मर्स को उपलब्ध करा रहे हैं, अब टाइमली उनको इस साल जो है ना सभी को मिले हैं। इसीलिए आगजनी की जो घटनाएं हैं करनाल में पूरे हरियाणा में सबसे कम आई हैं, जो सैटेलाइट की, और उसके बाद भी जो इंद्री में है वो करनाल में इंद्री में सबसे कम आई हैं। तो इसके लिए जो है जब मैं सभी फार्मर्स को ये ना बधाई के पात्र हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है इसके लिए फार्मर्स में जो है बहुत अधिक अवेयरनेस आई है। अब कोई भी जो है आगजनी की घटना नहीं करता है, बल्कि अभी जो ये अभी गन्ने का जो सीजन चला हुआ है इसमें तो फार्मर्स को और मतलब बेलर्स की वाले की तरफ से 1500 रुपये एकड़, 1000 रुपये, 1500 रुपये एकड़ उसको दिया जाता है। फसल अवशेष जलाने से एक तो सबसे मेन तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती है, और हमारे जितने भी मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़ा तो खुद फार्मर के ऊपर ही इफेक्ट आता है, पूरी जितनी जनसंख्या है उसके ऊपर जो है इन्वायरमेंट के ऊपर पोल्यूशन जो है बढ़ता है, वो सभी जो है अब जो है फार्मर्स में अवेयरनेस आ गई है, वो बिल्कुल जो है फसल अवशेष जलाना जो है ना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट टाइमली अब मिल जाता है। विभाग की तरफ से लगभग हमने सभी गाँव में 110 गाँव के करीब हमारे पास यहाँ पे है, और सभी गाँव में कैंप एडवांस में ही हर साल हम कैंप लगाते हैं, और वैसे भी टाइम टाइम पे जो है ना आप लोगों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत अधिक अवेयरनेस जो है चलाते हैं। अब की बार जैसे सीजन में हमने अलग अलग जगह पे जो वर्कआउट किया उसमें लगभग हमारा टोटल ऐसा हो कोई 60,000 क्विंटल के करीब 30,000 बेल हमारी बन चुकी है। CHC से बहुत लाभ मिलता है, कोई भी अगर CHC में किसान इम्प्लीमेंट लेता है तो उस पर गवर्नमेंट 80% तक अनुदान देती है, मैक्सिमम 12 लाख रुपए एक CHC को देती है गवर्नमेंट, और उसमें स्टार्टिंग में जैसे 2017-18, 18-19 में गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराए थे 40% सब्सिडी के साथ, तो तब से ही हम काम कर रहे हैं इस पर। इसका अच्छा अनुभव रहा है, एक इसको अगर बिजनेस के साथ जोड़ के देखे जाएँ तो इससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है, सभी को फ़ायदा, और साथ में 30 से 40 आदमी को भी रोजगार मिल रहा है पूरा साल के लिए। हाँ जी, इनसे तो किसानों को बहुत फायदा है। जैसे जी हमारे खेत
जल्दी भी साफ हो जाते हैं जी। मान लो डीजल की भी खपत कमाती है जाए खेस मारते हैं जी, और पर एकड़ 1000 रुपये भी सरकार किसान के खत्म डाल रही है अभी, इसको मतलब बहुत फायदा है जी। उनसे भी बहुत नुकसान था जी, जो हमारे मित्र कीट है वो भी सारे उसमें जलकर राख होते, मान ले उसमें नुकसान ही था किसान को जी। तो फायदा जी, बहुत फायदा है जी। क्या कुछ कहेंगे जो किसान अभी या इस बात को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं देखो जी, मानने चाहिए किसानों ने, फायदी है जी सारी अपनी। मान लो खेत संवारने में भी पहले दिक्कत आती, मान लो डीजल बहुत लगा था ट्रैक्टर में जी, मान लो बहुत फायदा जी, खेत जल्दी संवर जाए जी, और मान ले ये उठ जाते हैं गट्ठड़ बन के जल्दी उठ जाते हैं जी, बहुत फायदा जी इसमें। अच्छा लाभ है जी किसानों को। हाँ जी, पहले क्या था, पहले जो अवशेष जला देते थे तो नुकसान होता था जी। क्या नुकसान होता था? नुकसान जो मित्र कीट है जी वो सारे के सारे जल जाते जी, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती, और इससे रोजगार भी मिले जी, बेलर मशीनों वालों को रोजगार मिला, मजदूरों को रोजगार मिला। तो विभाग की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है जी। कितना अनुदान दिया जाता है? 80% था जी पहले, तो इस बार पता नहीं कितना है जी। पर एकड़ के हिसाब से किसानों को कितना दिया जा रहा है? 1000 रुपये एकड़ दिया जाता है जी। इस तरह की जो ये स्कीम चलाई गई है विभाग द्वारा, ये सही है? बहुत बढ़िया जी।